भाई साहब, ये रामगढ़ कहाँ पड़ेगा? कोई है रामगढ़। अंदर कैंप में? हाँ जी बताइए, किससे मिलना आपको? प्रीति कुमारी से। प्रीति कुमारी नहीं है यार, मेरे को वार्ड ले अंदर यार। ना भाई ना, यहाँ मच्छर कीड़े घुस रहे, हम नहीं घुसाते किसी अनजान आदमी को। अरे खोल दे यार अब तुम दरवाजा। अनजान आदमी को नहीं घुसाते, देख लो यार। अभी ओ भाई, कौन निकला अंदर से? मस्त मजा आ रहा है यार, बचपन की यादें ताजा होगी आज सच्ची में। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल डलवा लिया, पीछे टंकी अपनी फुल हो गई है और अब जा रहे हैं हम प्राशर लेक की तरफ। देखते हैं रास्ते में कहाँ स्टॉप ओवर होता है, क्योंकि काफी लंबा डिस्टेंस है यहाँ से, लगभग 90 किलोमीटर प्राशर लेक। चले फिर, रेडी स्टडी गो। ओके बेबी, थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं यार, शूज भी निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ना पैर लटकाए लटकाए ना दर्द होने लग जाते हैं। अब रिलैक्स होके गाड़ी चलाते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा हो रहा है ना, मौसम बिल्कुल धूप धूप सी, सुस्त सुस्त सा मौसम, जैसे लेजी सा, आराम आराम से गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे चलते रहो अपने रास्ते तक। अब फिर से ब्रेक लग गई प्रीति की। आंटी मूली कैसे दे रहे हो? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। और चुकंदर? ये 15 रुपए किलो। 50? हाँ जी। अच्छा, आपके खेत के ही है ये? हाँ जी। चलो 1 किलो मूली दे देना आंटी मेरे को। मूली तो ताजा है आज ही, सब कुछ ताजा। अच्छा, ऐसी अच्छी मोटी मोटी सी ना निकाल दो, बढ़िया बढ़िया सी। हेलो आमा, चलते चलते भी खा सकते हैं इसको, है ना? नून के साथ भी, सू नून के साथ खाएंगे। आप मच्छर बैठा के माथे पे काट लेता है ना। लाड़ी चुकंदर? चुकंदर आधा किलो। चुकंदर किलो भाई जाओ जी। नहीं किलो क्या करेंगे, अभी घर नहीं ना जा रहे हैं हम। अच्छा। घर जाती तो फिर तो मैं 2 किलो भी ले जाती। ऐसे एक मिनट, ये ले ली मैंने 2 सलाद का काम, सलाद के काम आ जाएगी भाई अपनी रात की सलाद। कितनी फ्रेश है देखो, ये बीटरूट अच्छी है। बीटरूट बहुत अच्छी है, अम्मा ने खुद अपने खेत में लगाई हुई है। और पैसे दे दो, मूली 30 रुपए किलो है और जो बीटरूट है वो 50 रुपए किलो है, आधा किलो ली है। 30 और 20। हाँ जी, 50 55 हो गए ना। 55 कार में से दो, से दो। 30 और 20 तो 50 हो गए, 55 क्यों हो गए बाबू? 50 रुपए किलो ना बीटरूट। 50 रुपए हाँ फिर तो सही है। मैंने सोचा 20 रुपए। मैं भी आपकी गलती पकड़ने वाली थी मैथ्स की। मौका नहीं देते यार कहीं भी। पिसू नून है, मैं अंकल वर्मा अंकल के घर से ले आई, अंकल ने बनाया हुआ था, मुझे बहुत टेस्टी लगा, मैंने कहा रास्ते में खाने काम आ जाएगा। और ये मूली लो खा लो, आप भी टेस्ट कर लो। फोटो खींचो। बहुत टेस्टी है, एकदम कच्ची और मीठी मूली है, मजा आ गया, बिना छिले खा रही हूँ। भाई खाली मूली खाओ ना, बहुत डेंजरस होती है। मेरे को याद ही नहीं था आज एक्चुअली में ये, और इन्होंने मुझे याद दिला दिया यार। डकार है हमारा डकार। वन फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेस्ट हाउस, वन विश्राम गृह में। और रोड बहुत डेंजरस सी है, ऑफ रोड है पूरा।
ट्राई करते हैं यहाँ पे रहने की, क्योंकि लोकेशन बहुत ही प्यारी है। पर गाड़ी यार पूरी बम 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 करती जा रही है और मुझे लग रहा है यहाँ कोई है ही नहीं। नहीं बाइक तो खड़ी है, बाइक खड़ी है, ट्राई मारते हैं। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आज पराशर में रुके या फिर पराशर से बाहर जाके अपना ये मंडी रुके। पर मंडी अगर गए तो हम उसके बाद आगे शहर ही आ जाएंगे उससे आगे। तो अब सोच रहे हैं 15 दिन तो हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए और साहब जी ढूंढ रहे हैं कि कोई मिले बंदा, कोई चौकीदार नहीं मिल रहा। बोलो चौकीदार, बोलो ओ चौकीदार। मुंह भूत बंगला ज्यादा लग रहा है ये। कमाल की बात है भाई, गवर्नमेंट की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वन विश्राम गृह जहाँ पे हम देखने आए हैं, अगर रात के लिए कमरा मिल जाए, लेकिन एक बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं है यहाँ पे। कपड़े सूख रहे हैं सबूत के लेके कोई रह तो रहा है, कोई ना कोई चपड़ासी या कोई ना कोई तो होगा केयर टेकर, लेकिन मुझे लगता है या तो वो जंगल वंगल गए होंगे। यहाँ नहीं है कोई, चलो आज अब भाई बड़ा भूतिया सा एहसास हो रहा था अंदर, और ना एक खिड़की खुली हुई थी, मैंने झांक के देखा, ऐसा कोई निहार रहा मुझे आगे से, कोई देख रहा है सही में, कोई था? हाँ, कोई था अंदर। पता है मुझे भी यहाँ से ना पर्दे हिलते हुए नजर आए अंदर से कमरे के, जबकि खिड़कियां सारी बंद है, कोई दरवाजा नहीं खुला किसी ने। और रात को हमारे को यहाँ पे छन छन की आवाज आ रही होती है, शुक्र करो हम निकल रहे हैं। चलो भाई भूतिया बंगले से बाहर निकलो, पर लोकेशन एक नंबर, लोकेशन एक नंबर की है, वेल मेंटेन्ड है। वो भी इसलिए देख रहे थे ना हम कि भाई चल भाई एडिटिंग हो जाएगी यहाँ पे और आगे का सफर कल का आगे है, कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं। गेट ऐसे खोल के कोई भी आओ। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं प्राशर लेक पे, सामने जो आप टापू देख रहे हो ये टापू नुसा रिवॉल्विंग टापू है, ये पूरी लेक में चक्कर लगाता है और कई बार तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में लगभग 8 महीने लग जाते हैं, और कई बार तो ये जो टापू है एक दिन में ही पूरी लेक का चक्कर लगा लेता है। अभी देखो सही जुगाड़ रखा है, ये पत्थर वत्थर लगा के ना साइड पे, हवा बहुत चलती है ना। हाँ, कल भी हमने एक चूल्हा जलाया था तो ग्रास थोड़ी बड़ी थी तो आग फैलना शुरू हो गई, फिर हमने पत्थर लगाया चारों तरफ और घास को हमने साफ कर दिया, चाय बनाई थी। और ये सबसे बढ़िया फ्यूल है, अगर पहाड़ों में कहीं भी आपको पाइन के ये फ्लावर्स मिल जाए आपको, नहीं तो लकड़ी जलाने में थोड़ी दिक्कत होती है कई बार, हवा चल रही हो या हल्की सी गीली हो। अरे क्या बात, ये सामान साथ में लेके आओ, यहाँ इकट्ठा किया है। अरे वाह, नीचे से कैसे? ये पे पड़ा था सर। अरे वाह क्या बात है, पूरा फ्यूल आपके पास सर। तो भाई साहब कितने दिन लग गए तैयारी करने में कैंपिंग के? दो दिन में सारा सामान हो गया। इससे पहले भी कैंपिंग किया आपने कभी? किया इसके पहले। अच्छा, तो ये तो एक्सपर्ट है, हम तो बिगिनर्स हैं अभी कैंपिंग के मामले में, बट अब देख के लग रहा है कि हाँ अभी क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं, क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, स्लीपिंग बैग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? नहीं पड़ती, लाए हैं बच्चों को, नहीं पड़ती। चलो अभी आपको व्यू दिखा दें जरा, यहाँ से कैसा व्यू है। वो सामने एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ इस समय पता क्या रखा है, कई लोग ना यहाँ पे हल्के फुल्के आग लगा देते हैं और घास साफ करने के लिए, और उसकी वजह से सारा धुंधलका हो रखा है यहाँ पे। चार्जिंग का भी सेटअप कर रखा है अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वरी रहती है क्योंकि मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है या मेरे को जो अपनी कैमराज हैं बैटरीज हैं उनको चार्ज रखना पड़ता है, तो भाई साहब ने कुछ जुगाड़ कर रखा है गाड़ी के अंदर, क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी कार में जब चार्ज करता हूँ ना
तो इतनी बहुत देर लगती है, बहुत देर लगती पर कभी फुल चार्ज नहीं होता, होता भी नहीं ढंग से। हाँ बेंगलोर से है विजय कुमार शर्मा और ये भाई साहब है नोएडा से जोगिंदर राघव। खा लेंगे अभी, भूख भी नहीं इतनी, कोई नहीं। तो लो भी चाय बन गई है और भाई साहब ने स्पेशल हमें दिया स्टील गिलासों में ताकि चीज में ठंडी ना हो, गरम गरम चाय। और लिट्टी भी लेके चलती, लिट्टी निकालो लिट्टी। तो चलो भी अभी हम जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए अपना, क्योंकि देखो फिर आप नाराज हो गए कि मैंने वीडियो डाला नहीं और यहाँ पे अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है 6-7 घंटे लगेंगे मेरे को और यहाँ पे बिजली का तो जुगाड़ नहीं हो सकता एटलीस्ट लैपटॉप के लिए। तो हम कहीं आगे जाएंगे, देखते कहाँ रुकते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और भाई साहब नाइस मीटिंग यू, और फिर मिलते हैं। ओके बाय, बिल्कुल आएंगे। तो फ्रेंड्स प्राशर लेक से पहुंच चुके हैं हम दोबारा मंडी, और मंडी में आके लगी थी भूख तो हमने कुछ ट्राई कर लिया। यहाँ पे एक साई स्वीट्स है, आशीष ने रिकमेंड किया था हमारे फ्रेंड ने, तो यहाँ पे आए। यहाँ से दृश्य बहुत बढ़िया है मंडी का पूरा। तो प्रीति ने मंगाया चना भटूरा और मैंने मंगाया भल्ले पापड़ी। भल्ले पापड़ी आ गई भाई, टेस्टी है, बढ़िया है भल्ले पापड़ी, अच्छे हैं, भूख लगी सब अच्छा लगता है यार। भटूरे साइज नहीं है, ओवर साइज नहीं है, बाप आ गई बाप। लो भी स्पेशल चाय बनवाई हमने अपनी साई शूट के सामने से, पी के बताओ। बहुत गर्म ना हो, मेन चीज चेक करनी पे मीठा कैसा है, क्योंकि पहाड़ों में मीठा बहुत तेज पीते हैं। कैसा मीठा है? ठीक है, थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा तेज है अभी, हल्का सा। चाय बहुत भाई, चाय तो आपकी बढ़िया थी। एक बात बताओ, आप हर एक चाय डालने से पहले उसको टेस्ट करते हो पहले, है ना? तो दिन में कितनी चाय पी लेते हो ऐसे? फिर 4-5 कप। 4-5 कप हो जाता है, एसिडिटी होती फिर अपनी चाय पी के। नहीं, चाय इनकी भाई साहब की बढ़िया थी, दूध वाली थी, गाढ़े दूध की थी, तो तरावट से आ गई पी के। तो फ्रेंड्स, एक हेरिटेज होटल है, जहाँ तक मेरे को अनुमान है ये पहले किसी राजा का घर था, महल था, अब इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो किसने मुझे रिकमेंड किया है, मैं जाके देखता हूँ एक बार ये रूम कैसा है इनका, अगर अच्छा लगा तो हम ही रुक जाएंगे रात को। इसकी एंट्रेंस कहाँ से है? हाँ जी, हाँ जी, होटल पे नीचे उतरना। ओके थैंक यू। लग रहा भाई देख के हेरिटेज होटल है, पैसे भेज रहा है सही होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। राजा पधार रहे हैं। ये हेरिटेज होटल है, ये मुझे किसने बताया कि जैसे राजा थे यहाँ के पहले मंडी के, वो उनका महल था कोई पहले, ये अभी रॉयल फैमिली अंदर है। अच्छा, अभी हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स में, डिफरेंट इनसाइड वाले में। चलो अभी कंफर्म हो गया यहाँ के कि यहाँ पर रहते थे, तो जरा रूम भी देख लेते अपना कैसा है। बाहर का नहीं है, विंडो वगैरह तो जो ऊपर है रूम ऊपर वाले थोड़े।
महंगे हैं ना, वो फिर 3300 का है। उसमें व्यू है, प्रो लगे हुए हैं इस टाइम ना। अच्छा पूछ लेना भाई। रूम थोड़ा कॉस्टली था, हमारे बजट के बाहर था, 3300 रुपये था एक दिन का, एक नाइट का बेसिकली। और रूम भी कॉम्पैक्ट था, उसमें कुछ व्यू नहीं था। रूम में ना स्पेशियस होना चाहिए रूम, और तो सारी चीज़ें एक तरफ, विंडो भी होनी चाहिए, विंडो नहीं थी उसमें। तो फ्रेंड्स ये है सर्किट हाउस मंडी, और रात को आए थे हम यहाँ पे रुकने के लिए। चीप अकोमोडेशन है, हमने इसके लिए पे किया 450 रुपये रूम का, और साथ में जो ब्रेकफास्ट था 60 रुपये था एक आदमी का, और डिनर था 100 रुपये, तो लगभग 770 रुपये पे किया हमने दो आदमी ने यहाँ पे रुकने के लिए। सामान सामान पैक हो गया अपना। ये ताजे हैं, जाता है ना? नहीं दोनों ताजे, दोनों ताजे ठीक है। ये वाला ले लूं? मैंने रास्ते में तोड़े थे, अभी लिए थे मैंने भी रास्ते में। एक एक ले लो। ओके बाय। मेन बात ये थी कि ये ब्रांच के बोल तो हमारे पास रास्ते में मिल गए थे बिल्कुल फ्रेश। ये अंकल फिर रुक गए हमको ये रे। बट ऐसा है वो बूढ़ी अम्मा वहाँ पे बैठी हुई धूप के अंदर। हाँ। तो ऐसा ले लेते हैं ऐसे कोई अभी, मतलब ठीक है शौक के लिए ले लिए मैंने, अच्छे लग रहे हैं, भगवान जी को भी यहाँ पे रख देंगे। कितने प्यार से बेच रही थी ना ये, तो मन कर गया कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं ले लेना चाहिए।